हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ट्रक स्पार्क में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके सामने है महिंद्रा बोलेरो पिकअप जो कि 1.7 टन के साथ आती है, उसका अपन कंप्लीट रिव्यू करेंगे। अभी जो सामने मॉडल आपका केप चेसिस मॉडल है उसका आज अपन कंप्लीट रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस गाड़ी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लो दोस्तों इसके फ्रंट के फेस में। तो फ्रंट का फेस देखो तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको फेस नज़र आएगा, जिसमें आपको बड़ी लार्ज विंड स्क्रीन है और उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर आपको ड्यूल वाइपर और बोनट माउंटेड यहाँ पर आपको वॉशर जेट यहाँ पर आपको इसके अंदर दिया जाता है। इसके जस्ट नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पर आपको महिंद्रा सिग्नेचर ग्रिल्स वगैरह देखने में जाती है और साथ में आपको बड़े हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स दिए जाते हैं जो कि साइड इंडिकेटर के साथ आते हैं। और साथ में नीचे की साइड देखो तो हार्ड मेटल का बना हुआ यहाँ पे आपको बम्पर दिया जाता है, जिसमें आपको फॉग लैम्प का ऑप्शन दिया जाता है और जिसमें आप आफ्टर मार्केट इसके अंदर लगवा सकते हैं। इसके साथ देखोगे तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टर वगैरह दिए जाते हैं और साथ में देखोगे तो यहाँ पे आपका टोइंग हुक वगैरह यहाँ पे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल लुक देखे तो फ्रंट का बहुत ही शानदार है और काफ़ी आकर्षक लुक के साथ अपने महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.7 टन के अंदर आती है। अब बात करो दोस्तों इसके साइड की प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको सबसे साइड इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, एक आरवीएम देखने को मिल जाता है और साथ में यहाँ पे आप बोलेरो पिकअप 1.7 टन की यहाँ पे आपको ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिल जाती है और नीचे की साइड यहाँ पे आपको फुट स्टेप यहाँ पे आपको उसके अंदर दिया जाता है। तो ओवरऑल लुक देखे तो साइड का कुछ इस तरह रहने वाला है। अब बात करो दोस्तों इसके फ्रंट के टायर और सस्पेंशन की। फ्रंट के अंदर आपको 15 इंची टायर इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं जो कि रेडियल टायर है और इसके अंदर ब्रेक्स की बात करो तो फ्रंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। साथ में रिजिड टाइप का यहाँ पे पट्टा कबाने वाला सस्पेंशन इसके अंदर यूज़ किया। फ्रंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने में जाती है और रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में इसके अंदर दोनों साइड में आपको फ्रंट और रियर के अंदर आपको पट्टा कबाने वाला सस्पेंशन इसके अंदर यूज किया हुआ है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सस्पेंशन कुछ इस तरह का रहने वाला है। यहाँ पे आप कंप्लीट व्यू दे सकते हैं सस्पेंशन का। यहाँ पे आपको 15 इंची के टायर्स हैं, रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक और सस्पेंशन कुछ इस तरह का रहने वाला है। यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक दिया जाता है जिसकी 60 लीटर की कैपेसिटी आती है। पीछे का कंप्लीट लुक देखे तो कुछ इस तरह का रहने वाला है, जहाँ से आपका सेंटर माउंटेड यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील दिया जाता है जिसको आप इजीली एक्सेस वगैरह निकाल सकते हैं इनकेस ऑफ इमरजेंसी में। और यहाँ पे आपको हेलोजन बेस्ड यहाँ पे आपको टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं और साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दो रिवर्स पार्किंग सेंसर भी यहाँ पे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। कंप्लीट व्यू देख सकते हैं कुछ इस तरह का रहने वाला है। यहाँ पे आपको जो बॉडी बनेगी वो यहाँ पे आपको बॉडी की माउंट यहाँ पे आपको दिया जाता है, जिसे ऊपर रख के आप इसके अंदर बना सकते हैं। कार्गो बॉडी की डायमेंशंस की बात करूँ तो इसके अंदर जो बॉडी है आपको 2765 लंबी 1700 mm आपको चौड़ी और 650 mm की आपको बॉडी के साथ भी ये अवेलेबल हो जाती है। अब बात करो दोस्तों इसके व्हील बेस की। इस गाड़ी के अंदर जो व्हील बेस है आपका 3264 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है और यहाँ पे 5215 mm की लंबाई के साथ आपको ये गाड़ी अवेलेबल हो जाती है। चौड़ाई की बात करो तो 1700 mm और हाइट की बात करो तो यहाँ पे आपको 1865 mm की हाइट इसके अंदर आ जाती है। और तो दोस्तों अब चलते हैं इसके अंदर की साइड। अंदर की साइड जाने के लिए यहाँ पे आपको एक फुट स्टेप दिया जाता है मेटल का बना हुआ है और साथ में हैंडल बार डोर के ऊपर हैंडल बार, यहाँ पे आपको सॉफ्ट मटेरियल देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपका डोर ओपनर और साथ में यहाँ पे आपको ग्लास रेगुलेटर, जिस ग्लास को रोल अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच के पेडल है। यहाँ पे आपका पार्किंग लीवर, फैब्रिक टाइप की शीट है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा थाई स्पोर्ट देखने मिल जाता है और काफ़ी अच्छा साइड स्पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे आपको रियर की साइड आपको हेडरेस्ट और फिक्स टाइप की यहाँ पे विंडो ग्लास दिया जाता है, जिसमें आपको पीछे का सामान रहता है उसकी आप निगरानी रख सकते हैं। सीट को आप आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसके स्टेयरिंग की। इस गाड़ी में जो स्टेयरिंग है पावर स्टेयरिंग इसके साथ आती है, जिसमें आपका फोर स्पोक स्टेयरिंग व्हील है जिसमें आपका महिंद्रा का लोगो और साथ में आपको इनबिल्ट हॉर्न का ऑप्शन दिया जाता है। और साथ में भी बात करूँ दोस्तों इसी क्लस्टर मीटर की, तो कुछ इस तरह का क्लस्टर मीटर इसके अंदर दिया जाता है, जिस बीच में देखोगे तो यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है और साथ में आपका छोटा एमआईडी लैंप दिया जाता है, जिसके अंदर सारी गाड़ी कितने किलोमीटर चली, गाड़ी का क्या फ्यूल है, कितना टेम्परेचर, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके साथ यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स दिए जाते हैं और साथ में यहाँ पर आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। इधर की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको छोटा स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कॉइन्स वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका हेडलाइट लेवलर और साथ में यहाँ पे रीजनरेशन स्विच आपको दिया जाता है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका छोटा स्पेस देखने को मिल जाता है और साथ में आपका म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका हैजार्ड लैंप स्विच, साथ में यहाँ पे आपका छोटा स्पेस, यहाँ पे आपका 12 वोल्टेज का सॉकेट चार्जर और इधर की साइड देखो तो यहाँ पे आपका हैंडल बार वगैरह देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपका कुछ ग्लोबॉक्स दिया जाता है जिसमें आप छोटा मोटा अपना सामान वगैरह रख सकते हो। उधर भी अभी आपको छोटा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। केबिन की बात करूँ, काफ़ी स्पेशियस केबिन है और काफ़ी लग्जरी केबिन यहाँ पर आपको इसके अंदर दिया जाता है, जिसमें आप एक लंबी राइड कर सकते हैं। और इसके अलावा सीटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो ड्राइवर के अलावा इसके अंदर दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इस सीट पर आप दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं, बट आरटीओ से बात करें तो D+1 सीटिंग ऑप्शन के साथ आपको ये गाड़ी अवेलेबल हो जाती है।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। इस गाड़ी के अंदर जो इंजन है M2 DISR इंजन है जो कि 4 सिलेंडर इंजन है और 2.5 लीटर का इंजन दिया जाता है जिसको जो 56 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करता है आपका 3200 RPM के ऊपर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1400 से लेकर 2200 RPM के ऊपर। इसमें आपको सिंगल ड्राइव टाइप की क्लच प्लेट इसके अंदर यूज की हुई। और गियरबॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स इसके अंदर आता है जो कि सिंक्रोमेस के दिया जाता है जिसमें आपको 5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब बात करूँ दोस्तों इसके प्राइस की, इस गाड़ी की जो प्राइस है लगभग आपको 10.5 लाख की एक्सोरूम प्राइस के साथ आपको अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपने इस गाड़ी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करिए। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।